मोनिका हत्याकांड मामले के आरोपियों को पुलिस द्वारा कोर्ट में पेश किया गया, जहां कोर्ट ने चारों आरोपियों मोनिका के पति विकास गोयल, ससुर जेपी गोयल, सास प्रेमलता व देवर को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। वहीं मोनिका के भाई अमित ने बताया कि उनकी बहन की हत्या की गई है और मोनिका के ससुराल में जो चोरी हुई थी उस दौरान खून से लथपथ जो कपड़ा मिला था वो इसका सबूत है। ये जी आज इनको यहाँ पे पेश किया है और हम जस्टिस मांग रहे हैं, अभी जो हुआ है उन्होंने मारी है उनको सजा मिले, क्योंकि पहले दिन से पुलिस इस एंगल पे चली हुई है, अभी सुसाइड है, जबकि उसके उन्होंने एविडेंस के साथ भी छेड़खानी की है। ठीक है, अगर वो सुसाइड था एविडेंस के साथ क्यों उन्होंने छेड़खानी की? अगर रूटीन केस हो, बंदा पुलिस को फोन करता है भाई ये काम हो गया पाओ, उसके बाद जो जब उनके घर पे चोरी हुई है तो एक मोनिका का ब्लड स्टेन अंडरगारमेंट मिला है, उसका मतलब यही है भाई उसके कपड़े बदल के लेके आए हैं। और ये चीजों के ऊपर पुलिस एसएसपी साहब ने एसआईटी बनाई है, तो हम ये चाहते हैं भी पूरी ढंग से कार्रवाई हो, कोई ये ना हो भी जो जैसे इन्होंने पहले हर चीज को लूज छोड़ के इन्वेस्टिगेशन की है वैसे ना करेंगे। वो हमें इंसाफ दिलाए, मेरी बेटी का मर्डर हुआ है ना के सुसाइड हुआ, जो सुसाइड पहले दिन से पुलिस उसको लेकर चल रही है, मगर 100% 101% उसका मर्डर हुआ है और उसके सारे जितने प्रूफ ससुराल वालों ने मिटाए हैं, हमें बिल्कुल उसकी डेड बॉडी ला के दिखाया है 9 बजे, जब अगर उसने सुसाइड किया था तो हमें क्यों नहीं बताया उन्होंने उसी टाइम इमीडिएट, हमें क्यों नहीं बुलाया। गौरतलब है कि मोनिका को उसके ससुराल पक्ष की ओर से हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया था, जहां उसकी मौत हो गई थी। मोनिका के परिजनों की शिकायत व सबूत के आधार पर पुलिस ने पति, ससुर, सास व देवर को हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, रूबरू टुडे।